अमोर थाना क्षेत्र के आमगाछी पंचायत के वार्ड नंबर 10 के रैली परमान टोली में बीती रात डकैती करने का मामला प्रकाश में आया है। डकैती के दरमियान दर्जनों बदमाशों ने हाजी अब्दुल सुहान के पुत्र मोहम्मद इमाज उद्दीन के घर घुसकर सभी परिवारों को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। मारपीट में परिवार के कई लोग जख्मी हो गए और सभी को बंधक बनाकर डकैतों ने घंटों घर में उत्पाद मचाया और लाखों की संपत्ति लेकर फरार हो गए। पीड़ित मोहम्मद इजमाइलुद्दीन ने इस संदर्भ में बताया कि करीब 12:30 बजे रात्रि सभी बदमाशों ने चार दीवारी से सभी रूम में प्रवेश कर लिया। सभी मुंह में गमछा लपेटे हुए था, जिसके कारण उनकी पहचान नहीं हो पाई और घर में घुसते ही बेरहमी से उन लोगों ने मारपीट प्रारंभ कर दी, जिसमें उनके घर के कई लोग जख्मी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि डकैतों ने घर में रखे तमाम महंगे सामानों, जेवरों एवं रुपये की लूट कर ली है। बताया गया कि डकैतों ने कुल्हाड़ी से मारकर अलमीरा को तोड़ दिया और अलमीरा में रखे कैश और जेवरात की लूट कर ली। इस संदर्भ में स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस घटनास्थल का मुआयना करने के बाद मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द डकैतों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात में आए थे 12:30 बजे। कितने लोग थे? 12-13। क्या किया उन्होंने? वो लोग 12:30 बजे आया रात, बाउंड्री तोड़ करके मेरा अम्मी को पकड़ा। अच्छा। उसके बाद मेरा अब्बा को पकड़ा, उसके बाद मार्केट में लगा, उसका जेवर सोना जितना छीन कर लिया। उसके बाद बोला कि तुम बोलो जो हमको तबीयत खराब है, तुम्हारा बेटा सोचेगा। उसके बाद वो बोली जो बेटा हमको बचाओ, हम फाटक खोल के निकले। तुरंत 4 आदमी मेरा अंदर घुसने के बाद जो है मारपीट किया, उसके बाद थ्री लड़कियाँ लगा दिए। उसके बाद बोला चाबी, उनको गोदरेज का चाबी दिए। चाबी से पहले वो जो है बक्सा खोल दिया और गोदरेज खोल दिया, उसके बाद फिर मारने लगा। सोना उनको बोले पहले खोलोगे तब ना सोना मिलेगा, बगैर खोल के कैसे सोना आएगा। तब वो गोदरेज खोला, देखने के बाद सोना निकाला, सारा पैसा भी ले लिया, जहाँ जाता वो निकाल लिया सारा। कितना का पैसा लिए? कितना पैसा? लगभग 7 लाख। जेवर कितने के? जेवर लगभग 8 भर सोना, 100 भर चांदी। अब उसको वो करके थे आकर के अचानक जो हमको उठा करके बैठाया। तो रूम क्या खुला हुआ था आपका? हाँ, रूम खुला हुआ। ठीक है, उठने के बाद उठा करके बैठाया, कहा कि पैसा निकालो। तो हम कहे कि यही पैसा है, 30-35 हज़ार रुपया है। तो खोल करके जो 30-35 हज़ार रुपया वो मिली। उसके बाद दूसरा आदमी फिर कहा था कि लाओ पैसा, हंड्रेड की जो पैसा था तो वो आदमी ले लिया। अच्छा। तो वहाँ से हाथ पकड़ के हमको भी आया, यहाँ ला करके बैठाया। हाँ, बैठा करके बस जो है काफी ठीक रही। उसके बाद हमारा वाइफ जो था वो बाहर हुआ, उसको जाकर के बाहर किया। तो बाहर करके जो हाथ में बला हुआ था या कान में, उनको छीनने लगा तो रोने लगा। रोड का वो रास्ता लेके लड़का हमारा घर से बाहर हो गया। बाहर हो गया, छीन छान किया उसको, बाहर उसको पकड़, उसको लेकर के कुल्हाड़ी उल्हाड़ी मारना, लाठी लेकर के फायरिंग वायरिंग भी हुई थी क्या? फायरिंग हुआ था, वही फेरी निकल के हम बस हो गए। कोई गांव का भी नहीं आया डर से कोई नहीं आया।